झारखंड में पलाश ब्रांड की पहचान ऑर्गेनिक उत्पाद के तौर पर होती है। जेएसएलपीएस के कुशल मार्गदर्शन में गठित राज्य स्तरीय पलाश फॉर्मर प्रोड्यूसर कंपनी किस तरह उत्पादकता केंद्र में पलाश ब्रांड के प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है और स्वयं सहायता समूह और सखी मंडल की दीदियां किस तरह से चॉकलेट्स, कुकीज, सरसों तेल, शहद और दूसरे उत्पाद तैयार करती है, ये खास रिपोर्ट में देखिए। पलाश झारखंड का अपना ब्रांड जिसने ग्रामीण महिलाओं की तकदीर बदल दी है। पलाश ब्रांड आउटलेट में 29 से ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है जो गृह उपयोगी और स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट के रूप में स्थापित हो चुके हैं। रांची के नगड़ी प्रखंड के एक गांव में ये प्रोडक्शन सेंटर जो ग्रामीण आजीविका संवर्धन के केंद्र के रूप में काम करता है। यहाँ कुकीज, चॉकलेट के साथ मड़ुआ और नारियल समेत कई तरह के लड्डू बनाए जाते हैं। पूरी साफ सफाई के साथ महिलाओं की ओर से प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, फिर डिब्बे में पैक कर पलाश ब्रांड का लेबल लगाया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये जाजपुर आजीविका मिशन सखी मंडल की सदस्याएं हैं जो इस वक्त पलाश ब्रांड के लिए कई प्रकार की मिठाइयां बना रही हैं, जो पैकेज्ड फूड के रूप में आजकल बहुत पॉपुलर है और ये बड़े बड़े शहरों में बिकने के लिए जा रहा है। जब से मिलेट्स को प्रधानमंत्री ने प्रमोट करना शुरू किया है, तब से भारी मांग हो गई है गोंद के लड्डू की, रागी के लड्डू के, मड़वा के लड्डू के, तरह तरह के चॉकलेट्स के। ये रागी का बिस्किट है, रागी आटा है और बटर, शुगर, ये सब डाला हुआ है। कितने दिन में ये तैयार हो जाता है? 25 मिनट में तैयार हो जाएगा। गोंद का लड्डू बना रहे थे। अच्छा। उसमें मिला अथी गोंद फ्राई किए, फिर नारियल, फिर काजू, हाँ, ड्राई फ्रूट्स, सूजी और गुड़। नगड़ी में लड्डू, चॉकलेट और कुकीज बनाए जा रहे हैं। वही नामकुम में क्या आप अभी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 7825893660 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। आटा, दाल और तेल की प्रोसेसिंग होती है। सखी मंडल की महिलाएं ऑर्गेनिक गेहूं और महुआ का आटा, अरहर का दाल के साथ सरसों का तेल बनाती हैं। साथ ही पैकेजिंग कर उसे मार्केट में सप्लाई की जाती है। इसमें हम लोग ऑर्गेनिक पद्धति से बना हुआ चीजों को प्रोसेसिंग करते हैं और शुद्ध चीज लोगों को मुहैया कराते हैं। जो हमारे यहाँ का प्रोसेसिंग किया हुआ माल देश विदेश तक जा रहा है हमारा पलाश ब्रांड से। जैसे हम लोगों का अरहर जा रहा है, मड़ुआ के आटे जा रहे हैं, फिर हमारा हल्दी जा रहा है, हमारा लेमन ग्राफ्स का तेल है, उसके बाद में हम लोगों का मधु है। इस प्रकार के अनेक प्रकार की सामग्री हम लोगों का कलेक्शन सेंटर से आता है और यहाँ प्रोसेसिंग होता है और यहाँ से हम लोग मार्केट लिंकेज करते हैं। दाल सबको सुखाते हैं पानी में भिंगो करके, फिर उसके बाद सुखा के फिर दाल को या दाल बनाते हैं। उसके बाद फिर उसको फटकते हैं, साफ करते हैं, मिर्च पत्थर उत्थर चुनते हैं, उसके बाद फिर पैकेजिंग करते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में पलाश ब्रांड के उत्पाद दूसरे राज्यों में भेजे गए और वहां से पुरस्कार जीतकर वापस लौटे। जो सखी मंडल के द्वारा जो भी माल बनाया जाता है वो माल एक जगह कहीं से लेकर मले कहीं पर चूड़ी का जो यह सामग्री बहुत बेहतर बनता है। कहीं हम देखें कि बैग जो जूट का जो बनता है उससे भी आपका बेहतर बैग बनता है, तो उसको भी कलेक्शन कर लेते हैं। कहीं पर हम लोग देखते हैं कि आज जो ढेकी से पहले जो चावल होता था लाल टाइप का, या आपका काला आटा का नाम सुने होंगे, उस तरह जहाँ से होता तो वहाँ से खरीदते, तो अलग अलग जगह से अलग अलग ये होता है। तो हम लोग सरसों तेल होता है, साबुन डिटर्जेंट भी हम लोग बनाने लगे। पलाश ब्रांड से जुड़ी ग्रामीण महिला उद्यमी, ग्रामीण कृषक उत्पादक संगठन FPO और FPC महिलाओं का कुशल नेतृत्व कर रही है। साथ ही पलाश ब्रांड और वैल्यू चैन इकोसिस्टम के लिए कौशल विकसित करती है। यही वजह है कि पलाश ब्रांड अपनी गुणवत्ता को लेकर घर घर में प्रचलित हो रहा है। यही नहीं, इसकी प्रसिद्धि राज्य के बाहर भी होने लगी है।
न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन रिंकू के साथ शहरवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।